आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा हालात और बदतर होते नजर आ रहे हैं। भले ही इस स्थिति को समझकर भी मोदी सरकार अनजान बन रही है, लेकिन रेटिंग एजेंसियां इस परिस्थिति को बखूबी समझ रही है, इसीलिए विकास दर के आंकड़े लगातार गिरावट के साथ दिखाए जा रहे हैं। आज भी मूडीज ने ऐसा अनुमान लगाया है जिसने देश का मूड बिगाड़ कर रख दिया। देखिए रिपोर्ट। साल 2019 मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से आर्थिक मंदी झेलता झेलता निकल गया। अब साल 2020 पर भी सरकार की नाकामी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इस साल भी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है, जिसका अनुमान रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लगाया है। मूडीज ने देश की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। पहले जहां 6.6% वृद्धि दर आंकी गई थी, वो अब 5.4% रह गई है। मूडीज ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है, उसकी वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। उसने कहा कि भारत में अब किसी भी तरह के सुधार को उम्मीद से कम ही माना जाना चाहिए। मूडीज ने कहा कि हाल में पीएमआई जैसे आंकड़ों से ये तो पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है और मौजूदा तिमाही में सुधार होने लगा है, लेकिन हमें लगता है कि अब सुधार पहले की उम्मीद से कम रफ्तार से होगा, इसलिए हमने अपना ग्रोथ अनुमान 2020 के लिए 5.4% और 2021 के लिए 5.8% कर दिया है। मूडीज ने यह आंकड़ा ऐसे वक्त में जारी किया है जब पीएम मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा ठोक रहे हैं कि देश की स्थिति सुधर रही है, विकास दर बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब स्थिति में सुधार हो रहा है तो फिर अनुमान क्यों घटाया जा रहा है? क्या सरकार हकीकत को जानकर भी जनता को झूठे सपने दिखा रही है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।